एक प्रश्न जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या हम जीवन में स्थायी तौर पर आनंदित रह सकते हैं या आनंद की अवस्था में हमेशा हमेशा रह सकते हैं? इसका उत्तर मैं आपको विज्ञान सम्मत ढंग से देना चाहूंगा। द साइंस ऑफ हैप्पीनेस या आनंद का आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि जो आनंद हम महसूस करते हैं वो तीन कारकों पर निर्भर करता है, तीन बातों पर आश्रित है। पहला है सेट पॉइंट या निर्दिष्ट बिंदु। ये जैविक रूप से हमारे भीतर बुना हुआ है। दूसरा है सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ यानी हमारे जीवन की परिस्थितियां, हम कहाँ हैं, कैसे हैं। और तीसरा है वॉलेंटरी एक्टिविटीज या हमारी ऐच्छिक गतिविधियां जो हम अपनी ओर से जो काम करते हैं जीवन में। इन तीन बातों पर हमारा आनंद निर्भर करता है। इन बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सेट पॉइंट या निर्दिष्ट बिंदु। ये हमारे जीव में या जैविक रूप में बसा हुआ है, हमें जन्म लेने के साथ ही ये मिल जाता है। ये हमारा सेट पॉइंट है कि हम जीवन में कितना खुश रहेंगे। ये हमारी खुशी का लगभग 50%, लगभग आधा भाग निर्धारित करता है। ये हमारे जीन्स में बसा हुआ होता है, जेनेटिक, यानी हम उतना ही खुश रह सकते हैं जितना कि हमारे नाना नानी या दादा दादी या माता पिता। ये हमारे लिए अनुवांशिक होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा घट या बढ़ भी नहीं सकता है, क्योंकि दो इस तरह की बाधाएं कह लीजिए या बैरियर्स कह लीजिए जो इसको एक निश्चित लेवल पर बनाए रखते हैं। पहली बाधा है, उसको कहा जाता है द हैप्पीनेस थर्मोस्टैट। जैसे थर्मोस्टैट टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसी तरह अगर हमारी खुशी अचानक बढ़ जाती है तो ये खुशी को नीचे ले आता है, और अगर खुशी नीचे चले जाती है तो उसको ऊपर ले आता है। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर मान लीजिए आपकी लॉटरी खुल गई या कोई खुशी का बहुत बड़ा अवसर मिल गया तो आपकी खुशी बहुत दिन तक कायम नहीं रहती है। अगर आपने एक नई कार ली है, एक अच्छा स्मार्टफोन लिया, आपको प्रमोशन मिल गया, तो आप बहुत समय तक खुश नहीं रहते, कुछ समय के बाद नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। ये अच्छा इस तरह से है कि अगर हम देखें कि आपके जीवन में कोई दुख भरी घटना हो जाए तो आप ज्यादा समय तक दुखी भी नहीं रहते हैं, ये आपको ऊपर ले आता है। तो हमारे भीतर एक जेनेटिक कोड है या एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको एक लेवल पर, आनंद के लेवल पर रखता है। इसे आप ये मत समझिए कि कुछ बुरा है। अगर मान लीजिए आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी खुश मिजाज थे तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप यूं ही काफी आनंदित रहेंगे। पहला हिस्सा ये है आपके आनंद का, और इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको स्वीकार कर लीजिए तो उसमें ही बेहतरी है। दूसरी बात जिस पर आनंद निर्भर करता है वो है सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की परिस्थितियां। आप कितने अमीर हैं या गरीब हैं, आपकी उम्र कितनी है, आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं,
शादीशुदा हैं या अकेले हैं, किस देश प्रदेश में रहते हैं, इस तरह की जो जीवन की परिस्थितियां हैं इन पर आपका आनंद सिर्फ 10% ही निर्भर करता है। कुछ बातें यहां समझ लेना जरूरी है, सारे कारक जो हैं उन पर बात यहां नहीं हो सकती अभी। जैसे पैसे के बारे में हर किसी को चिंता होती है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास ढेरों पैसे आए। हो सकता आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। तो आनंद का विज्ञान अपने शोधों से इस नतीजे पर पहुंचा है कि एक निश्चित लेवल तक अगर आपकी आय पहुंच जाती है तो उसके बाद आय बढ़ने से आपके आनंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप के गुजारे लायक और सारी व्यवस्थाओं के लायक ठीक ठाक पैसा है तो उसके बाद पैसे की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करिए, क्योंकि जो लोग पैसे की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या जो लोग मनी माइंडेड होते हैं वो लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी समृद्ध प्रजातंत्र में रहते हैं, एक ऐसा देश जो बहुत खुशहाल है और जहाँ प्रजातंत्र है, बोलने की स्वतंत्रता है, आपको स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, वहाँ आप ज़्यादा खुश रहेंगे बजाय एक ऐसे मुल्क के जहाँ पर बेसिक सुख सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ काफ़ी गरीबी है और जहाँ मिलिट्री की हुकूमत है या डिक्टेटरशिप है, आपको कुछ बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये परिस्थितियाँ कुछ हैं, लेकिन कुल मिला के ये जितनी भी परिस्थितियां हैं ये सिर्फ आपके आनंद को 10% तक ही प्रभावित करती हैं। तो इनमें से कुछ परिस्थितियों को तो बदला जा सकता है, लेकिन कुछ को बदलना बहुत मुश्किल है। जैसे आप एक देश से दूसरे देश में जाके बसें, ये इतना आसान नहीं है। तो 10% ही जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है आपके आनंद का स्तर कहाँ तक है। तीसरी बात या तीसरा कारक जिस पर हमारा आनंद निर्भर करता है वो है वॉलंटरी एक्टिविटी या स्वैच्छिक गतिविधियां। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और जानबूझकर अपनी ओर से प्रयास करके किन बातों का चयन करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा है, जीवन में हम स्वयं क्या करते हैं, इस पर हमारी खुशी 40% निर्भर करती है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि इस पर हमारा पूरा नियंत्रण है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसको ऐसे समझें कि आपके पास एक चॉइस है कि देर रात तक आप टेलीविजन देखें और सुबह आराम से उठें, और दूसरी चॉइस ये है कि समय पर आप सोने के लिए चले जाएं और सुबह उठकर सैर के लिए निकलें या किसी तरह का व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करें। तो इन दोनों स्थितियों में आपके जीवन में आनंद जो है उसका फर्क आ जाएगा। तो हमने देखा कि 50% सेट पॉइंट जो अपने आप निर्धारित हो जाता है, 10% सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ जिससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये 40% है जहां आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने बहुत सारी ऐसी हैप्पीनेस एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां बनाई हैं और उनको टेस्ट किया है, प्रूफ किया है, जिनसे हमारी हैप्पीनेस का लेवल या आनंद का स्तर
काफी बढ़ता है। आगे चलकर हम एक-एक करके इन गतिविधियों पर बात करते रहेंगे। एक और बहुत बड़ा भ्रम है, कंफ्यूजन है। कोई कहता है कि आनंद हमारे भीतर है, कोई कहता है कि बाहर है, सुख सुविधाओं में आनंद है, और वास्तव में आनंद कहाँ है ये समझ में नहीं आता लोगों को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जान ही गए हैं कि 50% जो आनंद है वो हमारे अंदर है। नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, जो हमें विरासत में मिला है वो आनंद हमारे अंदर है। 10% जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जीवन की परिस्थितियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और 40% जो आपके हाथ में है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो खुशी ना आपके अंदर है ना आपके बाहर है। आपको एक नई बात मैं बताऊंगा कि ये आनंद आपको मिलता है आपके और किसी और चीज के बीच में। बीच में कैसे? जैसे आपके और अन्य लोगों के बीच में जो संबंध है, जो आपका प्रेम है, स्नेह है, अन्य लोग आपके परिवार के अपने लोग भी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, या दिन भर के दौरान जिन लोगों से भी आपका वास्ता पड़ता है, जाने अनजाने लोगों से, तो आप और उनके बीच में आनंद है। इस तरह से कि आप कैसा व्यवहार करते हैं उनसे, आप उनसे कितने आत्मीय संबंध बनाते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, तो ये आनंद आपके और दूसरे लोगों के बीच निर्भर करता है। जिस तरह एक पौधा पनपने के लिए उसको कुछ बातों की आवश्यकता होती है, सूरज, पानी, मिट्टी, उसी तरह हमें जीवन में खुशहाल होने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, आपके और दूसरे लोगों के बीच में प्रेम। तो इसको जितना बढ़ाएंगे उतना आनंदित होंगे। दूसरा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आजीविका के लिए, या आपको कोई शौक है किसी गतिविधि में, खेल में, संगीत में, तो आपके और उसके बीच में आनंद है। उसमें आप कितना डूबते हैं, कितनी महारत हासिल करते हैं, और उससे कितना आनंद प्राप्त करते हैं, आपके और उस गतिविधि के बीच में आनंद है। इसी तरह आनंद का एक उत्कृष्ट रूप आपको बताऊंगा। ये आनंद है आपके और जीवन में, जीवन से भी बड़े कोई अर्थ, या किसी भलाई के काम, या ऊपर वाले से जुड़ने की प्रक्रिया। ये आनंद है आपके और जीवन से बड़े किसी अर्थ से के बीच में ये आनंद बसा हुआ है। तो आनंद अंदर बाहर के अलावा बीच में भी है, हमारे और अन्य लोगों के बीच में, हमारे और हमारे काम के बीच में, हमारे और जीवन से बड़े किसी उद्देश्य के बीच में। तो यहां पर इन तीन चीजों से आप कैसा संबंध बनाते हैं, दूसरे लोगों से, चाहे वो परिवार के हों, मित्र हों, या साधारण लोग जो आपको मिलते हैं दिन भर में। दूसरा, आपका काम या आपका जो भी शौक है, हॉबी, या जीवन में आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई का काम, आपके और इसके बीच में जो संबंध है वो निर्धारित करता है कि आप जीवन में कितना आनंद अनुभव करते हैं। इसके अलावा हमने बताया आपको कुछ हैप्पीनेस एक्टिविटीज हैं, विज्ञान सम्मत कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनको आप निरंतर करें। जैसे हमारे देश में हम जानते हैं कि सुबह की सैर, योग, व्यायाम, ध्यान, इस तरह की बातों से आपका आनंद बढ़ सकता है। ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, इससे आपका
जीवन का जो आनंद है वो भी बढ़ता है। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में स्थायी तौर पर आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस विज्ञान ने हमें समझाई है वो ये है कि इन सब कारकों पर या इन सब बातों पर जिन पर आनंद निर्भर करता है उन पर हमारा नियंत्रण है, या हम अपनी ओर इन कारकों को ला सकते हैं और अपने आनंद को स्वतः निर्मित कर सकते हैं। हम अपने आनंद का सृजन स्वयं कर सकते हैं। जीवन में जितना भी हम आनंद महसूस कर रहे हैं उस आनंद को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सही चयन कीजिए कि क्या करना है जीवन में, उसका सही निर्णय लीजिए और उसके बाद आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आप खुश रहें, खुशहाल हों, यही कामना है।